दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह और आप सबको हरिनाम सिंह सेना चैनल में स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसा ज्ञान इस चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूं जिसे आपको लाभ होगा। विशेषकर उन लोगों को ज़्यादा लाभ होगा जिनकी उम्र 45 साल 50 साल के ऊपर है। दोस्तों, मैं इसके पहले बात बताऊं ये सब, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। इसमें हम हरिनाम सिंह सयाना में आयुर्वेद से संबंधी, हेल्थ संबंधी, योगा संबंधी और स्वस्थ रहकर 100 साल कैसे जिए इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, हम चैनल को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि जब 40-50 साल के ऊपर उम्र हो जाती है तो हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है और विशेषकर घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द होता है। और अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते 10 दिन पहले, मैं अपने दो मित्रों को जानता हूँ, उन्हें घुटने के दर्द से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और यह बात उन्होंने हमसे कही और मैंने उनके साथ शेयर किया घुटनों का दर्द। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ, यह हड्डी का दर्द या घुटने का दर्द या जोड़ों का दर्द इसलिए होता है, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। जितनी बीमारियाँ होती हैं तो विटामिन्स की कमी से होती हैं। तो जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है। और अगर हम उस कैल्शियम की कमी को पूरा कर लें तो हमारा घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा आयुर्वैदिक खाना बताऊंगा जो हम सबके घर में रहता है, अगर उसे हम खाएंगे तो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी शरीर में। दोस्तों, आप किशमिश लीजिए, एक मुट्ठी किशमिश लीजिए और शाम को पानी में भिगो दीजिए और सुबह पानी को अलग कर दीजिए, या किशमिश का पानी जिसमें किशमिश भींगी हुई थी उस पानी को पी लीजिए और किशमिश को अलग करके उसमें शहद डाल दीजिए। किशमिश और शहद मिलाकर खाएंगे तो आपको कैल्शियम की पूर्ति होगी। देखिए, जैसे यह किशमिश है और इसमें ये जो इसमें पानी में भिगी हुई किशमिश है और इसमें शहद भी है जो आपको दिख रहा होगा, और ये पूरा, तो आप जो है ऐसे किशमिश को शहद में ऐसे भिगो लेंगे और किशमिश शहद को खाएंगे। किशमिश शहद को जब खाएंगे तो शहद भी कैल्शियम की पूर्ति करेगा और किशमिश भी, तो आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। और जब कैल्शियम शरीर में रहेगा, जाएगा, तो धीरे धीरे आपके हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द दूर हो जाएगा। और दोस्तों, ये योग, ये नुस्खा कम से कम 30 दिन तक करना चाहिए। पानी में किशमिश भिगोकर सुबह शहद के साथ खाएं और ये कम से कम 30 दिन खाएं। आयुर्वेद का कोई भी चीज़ 30 दिन या 40 दिन करते हैं तभी फायदा होता है।
तो आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। कैल्शियम की जो कमी थी जिससे हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द हो रहा था, कैल्शियम की पूर्ति होने से वो दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आपके घुटनों का दर्द हो या हड्डियों का दर्द हो तो आप योगा कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर से पूछ कर करें। और लेकिन ये जो खाने का है आप डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किशमिश को भिगोकर शहद के साथ खाइए और महीने भर खाइए। तो दोस्तों, आपको किशमिश और शहद बहुत फ़ायदा देगा, बहुत कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी और शरीर में जो कमी कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। और किशमिश और शहद एक साथ खाने से तमाम प्रकार के लाभ हैं। दोस्तों, एक मैं बात बताऊं, यूनानी वैज्ञानिक या यूनानी वैद्य सेक्स पावर बढ़ाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे, किशमिश का भी प्रयोग करते थे। तो किशमिश शहद एक साथ खाने से आपको शारीरिक ऊर्जा मिलती है और यौन ताकत मिलती है, तो इसमें लाभ ही लाभ है। तो दोस्तों, आप अपने हड्डियों के दर्द के लिए, शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए किशमिश और शहद खाइए और तंदुरुस्ती बनाइए। नमस्कार, हमारा चैनल देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हेल्थ बनाएं, स्वस्थ रहें और 100 साल जिएं।